71व्या महाशिवरात्री निमित्त प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्वकल्याण भवन एरंडल रोड धरणगाव येथे ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न झाला। कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी पोलीस निरीक्षक जयपाल हिरे व त्यांच्या पत्नी सो हिरे मॅडम यांच्या हस्ते शिव ध्वजारोहण करण्यात येऊन शिवलिंगाची सपत्नीक पूजा करण्यात आली। प्रसंगी कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलनाने करण्यात आली। सरिता दीदी, कल्याणी दीदी यांनी अतिथींचे स्वागत पुष्पगुच्छ देऊन केले। प्रसंगी महाशिवरात्रीचे महत्व नीता दीदी यांनी सांगितले, तसेच आध्यात्मिक महत्व आणि मेडिटेशनची आजच्या काळात सर्वांना गरज असल्याचे प्रतिपादन जयपाल हिरे यांनी केले। महाशिवरात्री निमित्त आयोजित या कार्यक्रमात शासनाचे कोरोना प्रतिबंधक सर्व नियम पाळण्यात आले। यावेळी रामकृष्ण महाजन वागळूद येथील ओम कॉटनचे संचालक रवींद्र पाटील, लिटिल ब्लॉसम इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या संचालिका ज्योती जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते। एक ज्योतिबिंदु होने के बाद भी उसका अवतरण दिन मनाया जाता है और यहाँ अवतरण मना जन्म दिन बधाई दिन कहा जाता है। तो आज ये 85 जन्म दिन पर, शिव जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो शिव रात्रि का हम थोड़े से शब्दों में एक आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि आज के दिन मंदिर में जाएंगे, शिव जी के मंदिर में जाएंगे और वहाँ 108 या 1108 का बेलपत्र चढ़ाएंगे। दूध दीदी ने जैसे बताया तो ये भी हमारे नसीब में या भाग्य में होगा कि हमें आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के सामने का घर मिला है जहाँ पे हम पिछले 4 महीने से रह रहे हैं। और मेरा जैसे दीदी ने बताया कि मेरा कर्म पे विश्वास है। आज अगर मुझे पूछा गया कि मेरा भगवान कौन है तो वो मेरी माता है, जिसकी मैं दिल से बहुत सेवा करता हूँ और ये हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मैं जब तक हूँ तब तक मेरी माँ मेरे साथ में रहे। और इसी के साथ में मैं ये चीज़ पे भी विश्वास करता हूँ कि अगर आप अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको आपकी जिंदगी में कभी कोई संकट या दुख नहीं आएगा। और जब कोई संकट या दुख आएगा भी तो आपके अच्छे कर्म की वजह से आपकी जो नींद है वो हराम नहीं होगी, आपको दूसरे जो विचार है वो परेशान नहीं करेंगे। आज हम पुलिस डिपार्टमेंट में जब काम करते हैं तो काम करने के बाद में हमारे बहुत से ऐसे सहयोगी है जिनको रात में नींद नहीं आती या घर में चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत सारी गलत आदतें रहती है। मैं वो चीज़ में बहुत खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसी ना कभी नींद का कोई समस्या आई, ना चिड़चिड़ापन हुआ, ना कोई बुरी आदत ने मुझे आज तक छुआ है। तो ये सब ना होने की वजह मैं सिर्फ मेरे जो अच्छे कर्म हैं या मेरे दूसरों के प्रति अच्छे विचार हैं इसी की वजह से होता है ऐसा मैं समझता हूँ। जो कुछ भी मैं एक वर्दी पहनने के बाद में कुछ करता हूँ, जैसे कोई चोर है या कोई गुनहगार है तो उनको मारना पीटना या फिर उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही के